ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोलायत में जन हुंकार रैली करने के बाद आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने रात को बीकानेर की तरफ कूच किया। इस दौरान बेनीवाल के साथ उनके सैकड़ों समर्थक भी मौजूद रहे। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में बेनीवाल ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है। बीकानेर के कोलायत में अवैध खनन को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। बेनीवाल ने कहा कि अगर कोलायत में अवैध खनन को नहीं रोका गया तो प्रशासन की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। पहले कोलायत में इन्होंने हुंकार रैली भरी थी, उसके बाद में बीकानेर का दौरा किया है। रात पड़े बेनीवाल जी, बेनीवाल साहब, भाई साहब आपसे जानना चाहूंगा, रात पड़े कोलायत के बाद में धरना अचानक, वो भी बीकानेर में, आपने चेतावनी और दी? देखिए वहाँ जिस तरह के हालात है कोलायत के अंदर, लंबे समय से सरकार के संरक्षण में, मंत्रियों के संरक्षण में जो अवैध रॉयल्टी का धंधा चल रहा है, जिस तरह सिलिका बजरी जो वहाँ का किसान मेहनत करके अपने खेतों से निकालता है, पट्टे भी सरकार ने जारी किए हैं जिप्सम के, उसके सिलिका के, लेकिन जो हालात कोलायत के अंदर देखे वहाँ हमने बात करना उचित नहीं समझा। बीकानेर आए, हमने कूच किया है, एक बार यहाँ बात अगर बैठेगी तो ठीक, नहीं तो अगला कदम हमारा क्या होगा तय हो जाएगा। मुख्य जो हमारी मांगे हैं, एक तो ये रॉयल्टी के जो गलत नाके लगे हुए, तमाम नाकों को वहाँ से हटाया जाए। कुछ एकादेशों की भी शिकायत थी जिसके बारे में, और एसएचओ कौन से एसएचओ आपको थाने कौन सा था आप क्लियरली बताएं, आप सुनो, आप न्यूज 18 राजस्थान पे क्लियरली बताएं। गजनेर, सबसे ज्यादा शिकायत गजनेर एसएचओ की थी, और बड़ी नेग्लिजेंसी थी कि वहाँ कोई प्रशासन का ढंका अधिकारी बात करने के लिए उन 25-30 हजार लोगों से बात करने कोई नहीं आया। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जंगल राज है यहाँ पे, ये हमने देखा। पूरा कोलायत खोद लिया और खोदते खोदते बॉर्डर तक चले गए, बॉर्डर को भी खोद दिया। हम चाहते हैं पूरे मामले की जांच होनी चाहिए उच्च स्तरीय। लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल ये रहता है कि आपने जो कोलायत की बात की, कोलायत से मंत्री आते हैं, पूर्व मंत्री भी और वर्तमान मंत्री भी, और दोनों ही काबीना मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान के भी, विकास बिल्कुल जीरो है वहां पे। और पुराने मंत्री जी की भी आपने बात कही, इनके भी कही, लेकिन अभी जो हालात है वो मैंने वहां देखा, और यहाँ के कांग्रेस के और नेताओं के ऊपर भी, कोलायत के मंत्री के ऊपर भी, रॉयल्टी के बजरी माफिया को संरक्षण देने के, जमीन अलॉट करने के आरोप भी लगे थे। आरोपी ने बड़ा आंदोलन भी किया था और इनकी वार्ता भी हुई थी उस समय कि रॉयल्टी की दरें हम कम करेंगे। प्रति ट्रक जिस तरह वो हजारों की तादाद में ज्यादा रुपए लेता है, और ओवरलोड वाहन जिसको बता के उसको पहले अंडरलोड कराते हैं और उस पैसा पूरा लेते हैं, उसमें भी कमी नहीं करते, दोनों हाथों से कोलायत को लूट रहे हैं। प्राइम 25 की खबरें आइए देखते हैं आप।